दोस्तों आईपीएल साल 2022 का सीजन शुरू होने में केवल कुछ ही महीने रह गए हैं और यहां दोस्तों सभी फैंस बहुत ही बेसब्री से अपनी फेवरेट टीम का इंतज़ार कर रहे हैं। दो नई टीमों की जो आई हैं उनके भी फैंस काफ़ी ज़्यादा बनते जा रहे हैं, उनकी भी फैन फॉलोइंग काफ़ी हो गई है और मेगा ऑक्शन की डेट भी अब कन्फर्म हो चुकी है जो कि हमें 12 और 13 फरवरी को देखने को मिलेगा, वो भी बेंगलुरु के अंदर ही। खैर आज बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यानी केकेआर के बारे में। आज मैं आपको एक बहुत ही अंदरूनी चीज़ बताने वाला हूँ यानी दोस्तों मैं आज आपको टीम केकेआर से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत स्पेशल होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ केकेआर की टीम किन 5 इंडियन प्लेयर्स को ट्रायल के लिए बुलाने वाली है, कब बुलाने वाली है, कहाँ होने वाले हैं ये ट्रायल्स और क्या क्या होने वाला है सब बताऊंगा। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसके वीडियो को मत करना और लास्ट तक वीडियो को जरूर दोस्तों देखना। अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों मैं आपको इंडिया का नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा, इनका नाम है रेडी अन्ना और ये साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हो, इनके पास 15 प्लस साइट्स हैं और 100 ब्रांचेस से भी ज़्यादा है इंडिया के अंदर। 24/7 का विड्रॉल आपको यहाँ मिल जाता है। आप इनको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हो, साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ आप काफ़ी सारी डिटेल्स जान सकते हो। इसके अलावा पेमेंट प्रूफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा, तो अभी जाके ज्वाइन कर लो रेडी अन्ना को। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2022 के सीज़न के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव करना चाहती है, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे प्लेयर्स हो, ट्रॉफी ज़रूर जीतना चाहती है, सबका यही एम है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके अकॉर्डिंग टीम केकेआर का जो स्क्वाड है वो साल 2021 से मजबूत बनेगा, बराबर बनेगा या फिर कमज़ोर बनेगा। खैर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं केकेआर के पास 48 करोड़ रुपए हैं और अब सभी टीम यहां पर अपनी फाइनल स्टेज की प्लानिंग्स के ऊपर लग गई हैं। जिन जिन प्लेयर्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, चाहे वो BBL हो, चाहे और किसी लीग में हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे किसी कंट्री की लीग हो, चाहे डोमेस्टिक की बात कर ले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी या फिर विजय हजारे ट्रॉफी हो, तो इन सब में जो भी प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया था अब उन सभी के पास ऑलमोस्ट सभी टीमों का कॉल जा चुका है, जिन जिनको डेट्स भी वो दे चुके हैं, कब ट्रायल होगा, किसके साथ ट्रायल होगा। और यहाँ पर दोस्तों कुछ टीमें तो जिन प्लेयर्स के साथ ट्रायल करना चाहती है उनके साथ एक एक दो दो दिन भी बिता रही है, फिर उसके बाद उनके ट्रायल्स लेगी। तो इस तरह से दोस्तों एक प्लेयर का एनवायरनमेंट भी जानना चाहती है। तो इसी प्रकार केकेआर ने भी यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया है, अभी शॉर्टलिस्ट और भी आने बाकी हैं क्योंकि यहाँ दोस्तों केकेआर का जो ये दो भाग के अंदर ट्रायल्स होने वाले हैं। पहले भाग की वीडियो तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्योंकि जो ट्रायल्स होने वाले हैं उसकी डेट अभी तक नहीं आई है, बट डेट दोस्तों आपको फॉर श्योर मैं आपको बता दूंगा जो कि 1 फरवरी से पहले ही होने वाली है। बट इन 5 खिलाड़ियों के नाम मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इन 5 खिलाड़ियों के नाम हैं शाहरुख खान, मोहम्मद अशरुद्दीन, कार्तिक त्यागी, यश दयाल और यश ठाकुर। तो ये जो 5 नाम हैं इनमें से शायद आपने ये शुरू के 3 नाम सुने होंगे, बट जो ये लास्ट के 2 नाम हैं ये भी काफ़ी धमाकेदार खिलाड़ी हैं और अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म इनका यहाँ चल रहा है, जो कह सकते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद जो अभी ये विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर बात करें तो सौरभ शर्मा का नाम निकल के आया था, शायद उनके ऊपर भी कॉल अप आ चुका है, बट दोस्तों वो शायद सेकंड लिस्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें ज़रूर डाल देंगे। तो देखते हैं केकेआर की टीम ये जो प्लेयर्स को जो ट्रायल्स के लिए बुला रही है इसको कितना सक्सेसफुल बना पाती है, कितना यहाँ पर उभार पाती है, कितना इसका फ़ायदा ले पाती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप जो शॉर्टलिस्ट प्लेयर होने वाले हैं ट्रायल्स के लिए उसकी सेकंड पार्ट भी देखना चाहोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर देना।